अथ षोडशो अध्याय भगवान श्री हरि के विविध अवतारों का संक्षिप्त वर्णन। जन्मेजय उवाच। शापन मुनि श्रेष्ठ हरेरद्भुत कर्मण अवतार कथम जाता कस्मिन् मन्वन्तरे विभो विस्तरात्वद् धर्मज्ञ अवतार कथम हरे पापनाश करिं ब्रह्म श्रुतं सर्वसुखावहम्। जन्मेजय बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, हे विभो, अद्भुत चरित्र वाले भगवान विष्णु ने भृगु के शाप से किस मनवंतर में किस प्रकार अवतार ग्रहण किए। हे धर्मज्ञ, हे ब्राह्मण, श्रवण करने पर समस्त सुख सुलभ कराने वाली तथा पापों का नाश कर देने वाली भगवान विष्णु की अवतार कथा का विस्तार से वर्णन कीजिए। व्यास उवाच। श्रीणु राजन प्रवक्ष्यामि अवतारं हरिर्यथा यस्मिन् मन्वन्तरे जाता युगे यस्मिन् नरदीपम् येन रूपेण यत् कार्यं कृतं नारायणेन वै तत्सर्वं वक्ष्यामि संक्षेपेण तवाधुना। व्यास जी बोले, हे राजन, हे नाराधिप, जिस मनवंतर तथा जिस युग में जैसे जैसे भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं, उन अवतारों को मैं बता रहा हूँ, आप सुने। हे नृप, भगवान नारायण ने जिस रूप से जो कार्य किया है, वह सब मैं आपको इस समय संक्षेप में बताता हूँ। धर्मस्यैवावतारो चशुषे मनु संभवे नर नारायण धर्म पुत्रो ख्यातो महितने। चाक्षुष मनवंतर में साक्षात विष्णु का धर्मावतार हुआ था। उस समय वे धर्मपुत्र होकर नर नारायण नाम से धरातल पर विख्यात हुए। अथ वैवस्वताख्येऽस्मिन् द्वितीये तु युगे पुनः दत्तात्रेयावतारोऽत्रे इस वैवस्वत मनवंतर के दूसरे चतुर्युग में भगवान का दत्तात्रेय अवतार हुआ। वे भगवान श्री हरि महर्षि अत्रि के रूप पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए। ब्रह्म विष्णु सथा रुद्र श्रयोमि देव सत्मह पुत्रत्वमगमन् देवस्तस्यात्रे भार्यायवृतः। उन अत्रि मुनि की भार्या अनसूया की प्रार्थना पर ब्रह्मा विष्णु तथा महेश ये तीनों महान देवता उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। अनसूया त्रिपत्नी च सती नामुत्तमा सती यया संप्रार्थिता देवा पुत्रत्वमगमंस्त्रयः। अत्रि की पत्नी साध्वी अनसूया सती स्त्रियों में श्रेष्ठ थी। इनके सम्यक रूप से प्रार्थना करने पर वे तीनों देवता उनके पुत्र रूप में अवतरित हुए। ब्रह्माभूत सोमरूपस्तु दत्तात्रेयो हरि स्वयं दुर्वासा रुद्ररूपोऽसौ पुत्रत्वं ते प्रपेदिरे। उनमें ब्रह्मा जी सोम रूप में साक्षात विष्णु दत्तात्रेय के रूप में और शंकर जी दुर्वासा के रूप में उनके यहाँ पुत्रत्व को प्राप्त हुए। नृसिंहस्यावतारस्तु देव कार्यार्थ सिद्धये चतुर्थे तु युगे जातो विधारूपो मनोहरः हिरण्यकशिपुः सम्यक् वधाय भगवान् हरिः चक्रे रूपं नरसिंहं देवानां विस्मयप्रदम्। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए चौथे चतुर्युग में दो प्रकार के रूपों वाला मनोहर नृसिंह अवतार हुआ। भगवान विष्णु ने उस समय हिरण्यकश्यपु का सम्यक वध करने के लिए ही देवताओं को भी चकित कर देने वाला नारसिंह रूप धारण किया था। बलेर
यमनाथाय श्रेष्ठे त्रेतायुगे तथा चकार रूपं भगवान् वामनं कश्यपान् मुनेः छलयित्वा मखे भूपं राजं तस्य जहारः पाताले स्थापयामास बलिं वामन रूपधरे। भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि का शमन करने के उद्देश्य से उत्तम त्रेता युग में कश्यप मुनि के यहाँ वामन रूप से अवतार धारण किया था। उस वामन रूप धारी विष्णु ने यज्ञ में राजा बलि को छल कर उनका राज धार लिया और उन्हें पाताल में स्थापित कर दिया। युगे चय को नेताख्ये भगवान हरे जम दग्नि सुतो चातो रामो नाम महाबल। 19वें चतुर्युग के त्रेता नामक युग में भगवान विष्णु महर्षि जमदग्नि के परशुराम नामक महाबली पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। क्षत्रियांत कर श्रीमान सत्यवादी जितेन्द्रिय दत्तवान में धनी कृष्णम कश्यपाय महात्मने। क्षत्रियों का नाश कर डालने वाले उन प्रतापी सत्यवादी तथा जितेन्द्रिय परशुराम ने संपूर्ण पृथ्वी क्षत्रियों से छीन कर महात्मा कश्यप को दे दी थी। परशुरामाख्यो हरे अद्भुत कर्मण अवतारस्तु राजेन्द्र कथित पापनाशन। हे राजेंद्र, मैंने अद्भुत कर्म वाले भगवान विष्णु के पापनाशक परशुराम नामक अवतार का यह वर्णन कर दिया। त्रेता योगे रघुवंशे रामो दशरथात्मज नर नारायणाशोदो जातो भूवि महाबलो अष्टाविंशे युगे षष्ठो द्वापरेऽर्जुन शौरिणो धराधारावतारार्थं जातो कृष्णार्जुनो भुवि कृतवन्तो महायुद्धं कुरुक्षेत्रे दारुणम्। भगवान विष्णु ने त्रेता युग के रघु के वंश में दशरथ पुत्र राम के रूप में अवतार धारण किया था। इसी प्रकार 28वें द्वापर युग में साक्षात नाथ तथा नारायण के अंश से कल्याणपत तथा महाबली अर्जुन और श्री कृष्ण पृथ्वी तल पर अवतीर्ण हुए। श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भूमंडल पर अवतार लिया और कुरुक्षेत्र में अत्यंत भयंकर महायुद्ध किया। एवं युगे युगे राजन प्रकृतेरनुरूपतः प्रकृतेर खेलं सर्वं वशमेतज्जगत्त्रयं यते क्षति तथैवेयं भ्रमयत्यनिशं जगत् पुरुषस्य प्रियार्थं स रचयत्यखिलं जगत्। हे राजन, इस प्रकार की प्रकृति के आदेशानुसार युग युग में भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुआ करते हैं। यह संपूर्ण त्रिलोक की प्रकृति के अधीन रहती हैं। यह भगवती प्रकृति जैसा चाहती हैं वैसे ही जगत को निरंतर रचाए करती हैं। परम पुरुष की प्रसन्नता के लिए ही वे समस्त संसार की रचना करते हैं। निरालंब निराकार निस्पृहशील परपरः उपाधेत श्रीधा भाति यस्य सा प्रकृति परा। प्राचीन काल में इस अराचर जगत का सृजन करके सबके आदि रूप सर्वत्र गमन करने वाले दुर्गे महान अविनाशी स्वतंत्र निराकार निष्प्रय और परात्पर वे भगवान जिस माया रूपिणी भगवती के संयोग से उपाधि रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश तीन प्रकार के प्रतीत होते हैं वे ही परा प्रकृति हैं। पत्ति काल योगात् भिन्ना भाति शिवार्तदा सामेशं कुरुते कामं सापालयति कामदा कल्पान्ते संहरत्येव त्रिरूपा विश्वमोहिनी तया युक्तो सृजत् ब्रह्मा विष्णुपाति तयान्वितः रुद्र संहरते कामं।
उत्पत्ति और काल के योग से ही वे कल्याणमयी प्रकृति उन परमात्मा से भिन्न भासती हैं। सबका मनोरथ पूर्ण करने वाली वे प्रकृति ही विश्व की रचना करती हैं, सम्यक रूप से पालन करती हैं और कल्प के अंत में संहार भी कर देती हैं। इस प्रकार वे विश्व मोहिनी भगवती प्रकृति ही तीन रूपों में विराजमान रहती हैं। उन्हीं से संयुक्त होकर ब्रह्मा ने जगत की सृष्टि की है और उन्हीं से संबद्ध होकर विष्णु पालन करते हैं और उन्हीं के साथ मिलकर कल्याणकारी रुद्र संहार करते हैं। कुत्रचित् स्थापयामास दानवानां जयय च एवमस्मिंश्च संसारे सुखदुःखान्वित किल भवन्ति प्राणिनः सर्वे विधितन्त्र नियन्त्रितः। पूर्व काल में उन भगवती परा प्रकृति ने ही ककुस्थ वंशी नृपश्रेष्ठ को उत्पन्न करके दानवों को पराजित करने के लिए उन्हें कहीं पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार इस संसार में सभी प्राणी विधि के नियमों में बंधकर सदा सुख तथा दुख से युक्त रहते हैं। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश शास्त्र्यां संहितायां चतुर्स्कन्धे हरेर्नानावतार वर्णनं नाम षोडशो अध्यायः।